अभी आ चुके हैं हम यहाँ पे, ये मिले हैं अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको मनाली का सफर? बताओ, अच्छा लगा? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? पंजाब से। तो पंजाब से बहुत मिले, वहाँ पे बहुत मस्त। ठीक है, बाकी देखो लेते हैं फोटो लेते हैं। हम उतरे हैं यहाँ पे खाने के लिए, और यहाँ पे ना ज़्यादातर ये एरिया है, ठीक है, फूड पॉइंट, जहाँ अगर आप वहाँ से आते हो तो ये मेन एरिया है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। यहाँ पे ढाबे वगैरह और बाकी चीज़ें रहती हैं। इनका छोटा सा रेस्टोरेंट है ये, देखो बहुत अच्छा व्यू आपको मिलता है। अभी हमने ऑर्डर किया है मैगी वगैरह, और बाकी देखिए ये देखिए सर ग्लास है अभी हम आ चुके हैं भैया जी के पास। अभी इनकी मतलब अभी हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या बनता है। बाकी भैया जी क्या क्या बनाते हो आप यहाँ पे? क्या क्या बनाते हो आप? सब कुछ बनता है सर, मेन्यू है अपने पास में। फिर भी क्या क्या? मैगी रहता है, ठीक है, ऑमलेट, चाउमीन, फ्राइड राइस, सैंडविच, बर्गर, राजमा राइस, दाल राइस। अच्छा, ओके। और टाइमिंग वगैरह क्या रहता है आपका? पूरा चलता रहता है? टाइमिंग सर सुबह 7 से लेके शाम के 5 बजे तक। तो देखो ये काफ़ी है और बिल्कुल अच्छा है, यहाँ पे आप आ सकते हो और यहाँ पे खा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे नूडल्स वगैरह बना रहे हैं, और यहाँ पे सीटिंग एरिया भी है, ठीक है, आप आइए यहाँ पे। और यहाँ पे भैया जी का अभी देखो, यहाँ पे मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ। ये इनका मेन्यू, फ्राइड राइस, और दोस्तों ने मंगाई है मैगी। ये मैगी पराठे खा चुके हैं, और मैगी जबरदस्त, आप ट्राई करें, इतनी प्यारी मैगी। नहीं, मैगी काफ़ी सच में अच्छी मैगी बनी है, और फ्राइड राइस जो है वो भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो एक बार फ्राइड राइस ज़रूर चखी देखिए। खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं अटल टनल की तरफ, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है, और वहाँ पे जो उसकी लेंथ होती है और बाकी चीज़ें हैं जिस हिसाब से वो बनाई गई, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है, और यहाँ का जो एरिया मिलेगा आपको वो भी काफ़ी बेस्ट एरिया मिलेगा। बाकी अटल टनल देखने के बाद हम निकलते हैं इसके अंदर से। अंदर से देखने के बाद इसका जो नज़ारा होता है वो भी काफ़ी बेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा मतलब आपको दिखेगा, और लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा एहसास आपको मिलेगा इस चीज़ के लिए। अगर आप यहाँ पर आते तो इस रास्ते से जाना, और बाकी खाने की बेस्ट वेराइटी आपको मिलती है इस चीज़ के बेस पर, और साथ साथ आपको बाकी जो कि फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो वीडियो है, आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना। बाकी ये जो मनाली का और रोहतांग का जो हमारा ट्रिप था, जो सबसे बेस्ट मोमेंट हमारे इस मोमेंट में, इस ट्रैवल में हमने इंजॉय किए, वो आपको दिखा चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगती है मेरे को कमेंट करके बताना, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि कोई भी पर्सन अगर मनाली या रोहतांग का प्लान करता है तो इसको देख के वो आ सके, और साथ साथ वो अपनी जो बेस्ट जर्नी है उसको बेस्ट से बेस्ट कर सके।